मैच नंबर 60 बैंगलोर और पंजाब दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैच, यहाँ तक कि आई थिंक अगर बैंगलोर यहाँ पे जीत जाता है तो आप कह सकते हैं कि टॉप फोर में पहुँचने वाली तीसरी टीम बन सकता है, पहला दूसरा तो ना सही पर तीसरे चौथे के लिए। वहीं पंजाब के लिए भी कहीं ना कहीं डू और डाई मैच है क्योंकि बाकी की टीमें इससे काफ़ी ऊपर है। हेड्स के साथ जाता हुआ पंजाब हारते हुए टॉस हम लोग हमारे अपोनेंट में आए इस समय बैंगलोर, आई थिंक बैटिंग लेनी चाहिए, डे वन पिच है और जी हाँ डे वन पिच है, कोई क्रैक नहीं है बैटिंग में बैंगलोर। एंट्री हमारे प्लेयर्स की, हमारे पोजीशन प्लेयर्स की, ओपनर्स की, आई थिंक एक बड़ा टोटल होने वाला है यहाँ पे, आई थिंक 215 के ऊपर मेरा गैस है, लेट्स सी। बाकी लाइक गोल की बात करें तो 1500 लाइक गोल है भाई, आईपीएल धीरे धीरे अपने आखिरी 14 मैचेस की तरफ बढ़ चुका है लीग में, तो 1500 लाइक का चैलेंज देखना होगा हो पाता है या नहीं। संदीप शर्मा यहाँ पर गेंदबाजी में, डुप्लेसिस और कोहली यहाँ पर स्ट्राइकर एंड्स में, पहली बॉल डुप्लेसिस का मिड विकेट से 4, 10 ओवर में गिर गए थे 5, मुझे इस समय लगा कहीं ऑल आउट ना हो जाए बैंगलोर। मैक्सवेल का डक बहुत ही आंखों पर एकदम फोकस जाता हुआ, महिपाल लोमरोर और शाहबाज अहमद ने यहाँ पे पारी संभाली है, लास्ट की 6 ओवर्स आई थिंक इन दोनों ने ही खेली है, 26+12, 118/5, हालत ख़राब। गेंदबाजी में सबको बताया कि कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये कमबैक करने में माहिर है यार, यहाँ से पहला ही गेंद एडवांस लेने की हिम्मत दिखाई थी अहमद ने, मानना पड़ेगा इसके लिए, 2 रन आए हैं। स्लिप में फील्डर होता ठीक है, देखते हैं, स्लिप लगा दी गई है, फ़ायदा या नुकसान, फर्स्ट बॉल जाता हुआ पॉइंट से बग के कारण 6 था ये आउट। तो अहमद ने दोनों गेंदों पे बड़े शॉट लिए, पहले पे एज लगने के बावजूद हिम्मत दिखाई और 6 लगाते हुए। फील्डिंग लेग साइड भी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत है नहीं अगर लेग साइड खेलते हैं तो भी, बट कवर इस बार टारगेट लॉन्ग ऑफ कह सकते हैं आप। 6 रन, सबसे क्लीन शॉट यहाँ पे फाइनली कट हुआ है, अभी तक अधिकतर गेंदों पे टेढ़े मेढ़े शॉट लगे थे बट ये है परफेक्ट शॉट। 15 रन, इम्प्रेसिव, बहुत ही इम्प्रेसिव, नहीं कैरी भी नहीं किया है और था भी नहीं आउट डॉट। टबाज अहमद तेज गेंदबाज, एजेस पॉइंट से 4, पता नहीं क्या है भाई कि इनकी पहली गेंद हर ओवर की एज जाती है, शाबाज के अब साइड पे कंटिन्यू एज लगी तो बहुत सही है बट आई थिंक हाइट का इशू भी रहने वाला है, रहने देता है, डीआरएस नहीं रह गई है ना एक्सपेक्ट से। ओह क्या गेंदें घूम रही हैं, ये बात अलग है कि शाबाज इस बार थोड़ा सा कंट्रोल में रह के खेले हैं, लेट कट और गेंद पे 4 ऐड किए, बहुत ही समझदारी वाला शॉट, सीम कंडीशन बहुत तगड़ी, पिछली ओवर से बेहतर और ये आई थिंक आउट होगा यहाँ पे, जी हाँ देर सवेर ही सही बट एम्पायर ने आउट दिया है और हाँ इन स्विंग गेंद काम करती हुई यहाँ पे, डीआरएस नहीं लेना बेकार होगा अगर लेते हैं तो कुछ इस तरह से गेंदें देख सकते हैं आप, टच किए अर्शदीप को मिलती हुई सफलता, मेहनत के बाद एक है जिसका चौका था, बाकी 5 गेंदों में 4 रन आए थे और शाबाज आओ। हसरंगा इंटरेस्टिंग होगा, पहला ही शॉट स्क्वायर से 4, 12 के साथ ओवर का एंड, बस चहर के ओवर बाकी थे, मुझे लग नहीं रहा था लिविंगस्टोन को लाने का कोई मतलब भी है। लोमरोर को आउट करना इस समय पहली प्रायोरिटी होगा पंजाब की, 6 लगा दिया है, 50 जड़ दिया है स्कोर कार्ड पे और मैं फिर से कहूँगा अभी तक जितनी गेंदें इन्होंने खेली हैं सभी परफेक्ट ही खेली हैं, 32 गेंदें हो चुकी हैं। थर्ड मैन पे खेलते हुए शॉट्स, फाइनली थर्ड मैन लेना चाह रहे थे, गया थर्ड मैन में, आई थिंक वो भी क्लियर नहीं थे कहाँ से जाएगी गेंद, 4 मिला है ये फ़ायदेमंद, बैंगलोर यहाँ पर रन रेट के मामले में कम बैक कर चुका है ऑलरेडी, 13 रन ओवर से और आखिरी गेंद पर आउट, आउट नहीं है, ड्रामा से ओवर एक्टिंग, अरे दो दौड़ गए ओवर एक्टिंग के चक्कर में यार संदीप। इन स्विंग यहाँ भी कर रहे हैं, 9 बॉल डाल दिया, पिटाई का टाइम हो चुका है यहाँ पे, आई थिंक इस ओवर में 10 रन रेट गिन दूं क्या मैं, अरे वाह पैरों से रोकते हुए कमाल का यहाँ पर फील्डिंग एफर्ट दिखाते हुए 3 दे दिया है और 4 भी दे दिया है क्योंकि पैर यहाँ पे बाहर जा चुका है उठाते उठाते, ये मेरे हाथ में नहीं था रे बाबा। 6 कैरी करेंगे तो भी कोई मेरे लिए कोई मतलब नहीं यार, कोई किया था कैरी बट 0 मतलब। लोमरोर 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 महिपाल लोमरोर हैं और इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी होते तो कहता धो रहे हैं बट लोमरोर लो रहे हैं ऐसा भी नहीं कह सकता। 4 रन थर्ड मैन से, सरंगा भी 2 में 6 लगा चुके हैं तो हल्के में इनको भी नहीं लिया जा सकता, गेंद उछला है, कैरी किया है क्या, स्लो मोशन क्यों हुआ अजीब है,
किया और लास्ट बॉल पे 6 ऐड कर दिया है सरंगा ने, कम नहीं है ये भी। आखिरी ओवर की तरफ बढ़ता हुआ मैच और 180 क्रॉस कर चुका है यहाँ पर। 4 गेंदे अंदर की तरफ, गेंद कैरी कर लिया गया, यहाँ पर फील्डर को भी एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने कैच किया है। ये तो भाई अचंभित करने वाला कैच था, फील्डर बस खाली कूद गए, कैरी किया और फिर आप देख सकते हैं कि उन्हें भी एहसास नहीं। कुछ देर बाद आई थिंक फील्डर के कीपर के रिएक्शन के बाद रिएक्शन देना शुरू किया, वही निंदू आउट होते हुए। 4 गेंदों में ऑल आउट करते हैं, चमत्कार स्लिप में इससे 4। जॉनी बेस्टो सिर्फ देखते रह गए ऑडियंस की भूमिका में। यहाँ पर आखिरी 3 गेंदों में कैरी जी नहीं डॉट, ओवर बेस्ट रहा है 7 रनों के साथ, पर लास्ट गेंद पे क्या हो रहा है, गैप जा रहा है, 11 के साथ एंड हो रहा है वो। 190 क्रॉस कर गया है बैंगलोर, यहाँ पे ऑल आउट का रिस्क था, वहाँ पर 191 पे 7 लगा कर जा रहे हैं। 15 ओवर के हाल के बाद जो अभी का हाल है उससे संतुष्ट होगा बैंगलोर, एक अच्छा टोटल है, एक आई थिंक 30 गेंदों में 50 तक का चेज आ सकता है। कमरे कुछ ऐसी महिपाल लॉमरॉन लास्ट ओवर में ज़्यादा मौके मिले नहीं, वरना ये स्कोर में 5 से 8 रन और ऐड हो सकते थे मिनिमम। शाबाज अंत में गियर अप किए, बहुत लेट कर दिया, बट हाँ विकेट भी संभालनी थी तो सही है उनका रोल भी। 4 विकेट रवाड़ा तोड़ दी कमर टॉप ऑर्डर की। आ रहे हैं हम रन चेज के लिए, पंजाब डू और डाई मैच, बैंगलोर के लिए भी हम मतलब डू और डाई तो नहीं कह सकते, बट हाँ जीतेगा तो कंफर्म करेगा ना। जॉनी बेस्टो और शिखर धवन सामना जोश हेजलवुड का, मैं हर बार सोचता हूँ 6 नहीं बोलूँगा, आज बोलता हूँ 6। चलेगा चलेगा, 4 तो नहीं है बट 2 जरूर निकलेगा, रनिंग है इस बार बहुत अच्छी। 3 अकेले दौड़ चुके हैं, बॉलर पे खतरा हो सकता है, बॉलर पे खतरा हो सकता है, पर थ्रो कीपर पे सेफली 3 ऐड किया जैसा लग रहा था। 30 में 50, 53 का चेज आया है। जॉनी बेस्टो टिके हुए हैं एक तरफ से, मयंक अग्रवाल अभी भी कप्तान है, एंट्री पाण है और 138 पे 2 स्ट्रॉन्ग पोजिशन में पंजाब। ईजी लग रहा है, देखना होगा। गेंद पहली बहुत निराशाजनक और रिजल्ट उस पर हमारे लिए क्या कहेंगे, निराशाजनक का उल्टा खुशीजनक तो नहीं होता, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा। इतना बढ़िया शॉट, 6 बॉल जम के पिटाई करते हुए 8 में 21 के बाद 9 में 25 रोकना। अबे यार जब नामुमकिन लगता है तब रोक देते हैं कई बार, और जब मैप में लगता है ना, मैप देख के आप गैस करोगे तो आई थिंक अब गलत हो गए हर बार अधिक साबित। 3 रन तक परफॉर्मेंस निराशाजनक सिराज का, एक भी गेंद ऐसी नहीं रही जिसको खेलते हुए वक्त मुझे लगा हो कि भैया गया मैं। 2 पे 2 देते हुए यहाँ पर 85 पे पहुँचा दिया बेस्टो को। आखिरी गेंद क्या रखेंगे, यॉर्कर और खराब, 9 बॉल भी है, ये गैप मैंने नहीं ले पाया तो नहीं ले पाया। 4 अब तो चले जा, नहीं गया, अभी भी नहीं गया, 3 आएगा, 9 बॉल है मतलब हो गया 4, अभी लास्ट बॉल बाकी है। कहीं ना कहीं इस ओवर में ही बैंगलोर हारता हुआ, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, 18, 19 रन 5 गेंदों में। आखिरी गेंद परफेक्ट 6 के साथ 25 रनों के साथ ये ओवर एंड किया है, सारे अंतर सारी दूरियां ऑलमोस्ट खत्म कर दी हैं। फाइनली थर्ड मैन खेलने का मौका, पॉइंट खेलने का मौका, और उस पर 4 ऐड किया है, 94 डन बेस्टो के लिए, 6 और एक बिग हिट और सेंचुरी डन करेंगे बेस्टो। लेट्स सी, ये चला ही नहीं कंट्रोलर, वाइड है क्या सही है, ये नहीं सोचा था यार, ये मुझे चीज़ समझ नहीं आती, स्पिनर्स पे पता नहीं कैसे हम लोग यार ये यॉर्कर्स पे नहीं मार पाते, अभी भी सेट नहीं हुए हम लोग, आउट तो है ही। पिच पहले आई थिंक बल्ला पिच पहले गिरा फिर बल्ला चला और फिर उछल के गई है यहाँ पर, यही हुआ होगा, हाँ यही हुआ है, सेंचुरी चूक गए हम लोग। 94 पे आउट बेस्ट, ऊपर मैच विन कंफर्म करके गए, 11 रन अभी तक ओवर से, लास्ट बॉल को भी यूज़ करना चाह रहे थे, गैप बन गया यहाँ पर, स्ट्रेच करना चाहिए था। 13 के साथ ओवर की समाप्ति, यहाँ पर विकेट एक निकाला है, एक और स्पिनर जो मैं एक्सपेक्ट, पर हाँ एक बात थी, जिस तरह का ओवर रहा था 25 रनों का सिराज का, आई थिंक स्पिनर्स पे ही विश्वास दिखाएंगे, फाफ वही किया लेकिन पहली गेंद पे चौका, निराशा। सर ओ बैक फुट जाना था, गेंद कुछ ज़्यादा ही तेज आ गया फ्रंट फुट के लिए। इस ओवर में मोस्टली नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, इस ओवर में मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मिडल पे नहीं, इस बार ऑफसाइड मिल गई है और इस बार हमने उसे 4 की राह भी दिखा दिया, पर नहीं जा रहा, दो दो फील्डर दोनों 18 नंबर 3 रन दे के जाएंगे, फाफ और कोहली गेंद के पीछे हो तो गेंद डर के मारे रुक जाएगा कि भाई अगर चली गई बाउंड्री के पार और उठा लिया इन दोनों ने तो पटक के मारेंगे हमें बैटिंग में। बेहतर
फाइनली वो गैप मिलता हुआ जिसकी कोशिश लगातार कर रहे थे। ओवर एंड हुआ है ये भी 13 के साथ, तो स्पिनर 13 और तेज गेंदबाज 25, दो ओवर के बाद हाल ऐसा है। स्पिनर ने दिए हैं टोटल दो ओवर में 26, वहीं पे तेज गेंदबाज ने 6 में 25 एक ओवर में। और सारे फील्डर्स को क्लोज लिया है, क्यों? ये पहली गेंद ही गैप बन गई है और दो दे के रुकेगी, तीन के लिए भी दौड़ना चाहूँगा, मैच विनिंग टू स्कोर होगा, दौड़ा दिया है। और जी हाँ भाई, कभी कभी एक दो से नहीं, तीन से भी मैच जीतना चाहिए और ये वो मैच है। अग्रवाल का 3 रन और यहाँ पे पंजाब ने जीत हासिल की है, चांसेस अपने जीवित रखे हैं। इस समय हाल ये है ना कि लास्ट की 3 टीमों को छोड़ दो अगर, और ऊपर की टॉप मतलब 5 टीमें 2 स्पॉट के लिए लड़ाई कर रही हैं, और पहली दूसरी टीम को भी आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, बट उनका क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट कन्फर्म है, कोई बहुत बड़ा उलटफेर ही चेंज कर सकता है। पर लेट्स सी क्या होता है आज रात को। मेन निगाहें तो ये होंगी कि बैंगलोर और पंजाब में जीतता कौन है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में। मैं ले रहा हूँ विदा, हमारा रैंकिंग आपके सामने इसी के साथ आता हुआ। लाइक गोल है भाई 1500 का, तो प्लीज़ सब मिलकर लाइक कर देना। 3 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से लाइव स्ट्रीम में RC20 के साथ। लेट्स सी तब वहाँ पर कौन जीतता है। बाकी ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।